उससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉर्क ऑन अ कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर इज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो जनरल फॉर्म होंगे न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके हम उस टाइप्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हर साल जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक स्क्वायर दिया गया बेटा, ठीक है, सपोज दैट ए बी सी डी, और इसमें करंट फ्लो हो रही है। हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और इनकी सबकी साइड कितनी है, ए लेंथ की, ठीक है, और करंट फ्लो कर रही है आई। क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम एडजॉइनिंग फिगर, यानी इस फिगर में हमको सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर करते हैं, एक आर्म की अगर बात करें तो अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो याद करो हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए डेरिवेशन करवाया था कुछ इस तरीके से, और यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी थी यहां से एंगल बना करके फाई वन और फाई टू, कुछ याद आया, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी थी। तो सेम करेंगे, यहाँ इसकी लेंथ a है तो इसकी भी लेंथ a होगी, तो सॉरी यहाँ से और यहाँ से अगर ड्रॉ करें मिडिल पॉइंट से तो ये हो जाएगी a by 2, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो जो दो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, कितना एंगल का हो जाएगा 45 का, और ये हो जाएगा 45 का, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है ना, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, यही होता है, क्लियर है सबको। अब हम आर्म AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे O पर, ठीक है ना, पॉइंट O पर। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्म AB एट O, तो यहां पर हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट आई दिया गया स्मॉल आई, तो स्मॉल आई अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस होगी, तो हो जाएगा ए बाई टू साइन 45 प्लस साइन 45
और फिर लेंगे टू ऊपर चला जाएगा, रह जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन ए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेंगे तो याद आएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन ए इंटू 2/√2। इसकी वैल्यू होती है बेटा 10^-7, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 10^-7 इंटू ये हो जाएगा 4 I अपॉन √2। ठीक है? आगे ये टोटल करंट 2 और ए भी हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 4 I इंटू 10^-7 अपॉन √2a। आगे सॉल्व करेंगे, ये एक आर्म के कारण है, इसी तरीके से 4 आर्म है तो सिंपली टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल आर्म्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, 4 I इंटू 10^-7 अपॉन √2a। रूट टू से अगर हम क्या कर लें, रैशनलाइज करवा लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 8 √2 इंटू 10^-7 I अपॉन ए, ये जो हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। किस पर बेटा? ऊपर। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई और ए अगर चेंज है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये जनरल फॉर्म करवाया है, ठीक है ना? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वायर पहले हम डायग्राम रख लेते हैं। ये वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ गिवन फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट सेंटर ऑफ द लूप। हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किस पर? लूप के सेंटर पर। वायर भी है और क्या है, लूप भी है, तो सिंपली बेटा यहां पर वायर भी जा रहा हुआ है और लूप भी।
भी है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इतना वायर वर्क करेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने में, और ये लूप तो है ही, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर ये कंडीशन आती है तो यहाँ पर जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, लूप की मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप, लूप के लिए हमने बताया फॉर्मूला सेंटर पर है, ठीक है ना। तो म्यू नॉट अपॉन टू पाई, टू पाई नहीं होगा इसमें, टू आर होगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ठीक है, याद रखना। सेंटर पर इतना हो जाएगा, और बी वायर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन स्ट्रेट वायर बेटा, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला बताया भाई। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग वायर है या लॉन्ग वायर की तरह यूज करेंगे, टू से और ये फोर पाई कैंसिल हो जाता है, टू आ जाता है सर्कमफेरेंस के कारण, तो जाएगा टू पाई आर, ठीक है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी लूप प्लस बी वायर। बी लूप की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन टू आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नॉट अपॉन I upon 2R कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 plus 1 upon pi। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सी टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अपवर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कहेंगे या प्लेन ऑफ पेपर कह सकते हैं, प्लेन ऑफ पेपर। नोट डाउन इट फास्ट, फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, ये हो गया। यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट सेंटर, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वायर क्या हो गया है, कट कर दिया गया है। इस कंडीशन में बेटा जो वायर है, इस कंडीशन में जो वायर है उसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन में बेटा क्या करेंगे, वायर लूप में से वायर को माइनस कर देंगे तो बी लूप की मैग्नेटिक फील्ड इतनी है और बी वायर की मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा बी लूप माइनस बी वायर, और इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा बट यहां क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, चूंकि हमें केवल किसके कारण निकालना है, वायर के थ्रू, सॉरी
लूप के थ्रू निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड थ्रू द प्लेन ऑफ पेपर। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये इस टाइप से क्वेश्चन है। दो सेमी सर्कल्स दिए गए हैं, एक की रेडियस है सपोज दैट आर वन और दूसरे की रेडियस है आर टू, और हमको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर वायर का एनोड नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, कि जितना इधर जा रहा है उतना ही है वापस चला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सिचुएशन में वायर को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल हम सेमी सर्कल्स का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। करंट की वैल्यू हम क्या कंसिडर कर लेते हैं आई। तो इस सिचुएशन में बी वन इज इक्वल टू हो जाएगा आप सेमी सर्किल के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन। अब वहां पर हमने सेमी सर्किल के लिए टू आर बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, लेकिन यहां सेमी सर्किल है तो फोर आर हो जाएगा क्योंकि टू कैंसिल नहीं होगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर होता है, तो यहां हो जाएगा आई अपॉन फोर आर वन। सिमिलरली बी टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर टू, दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी वन प्लस बी टू, यहां से म्यू नॉट आई अपॉन फोर कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन। ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट
फर्स्टली नोट कर लीजिए इसको जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दो पैरेलल वायर्स हैं, या इसको हम नाम दे देते हैं वन एंड टू, और इनके बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। इसमें करंट फ्लो हो रही है 30 एम्पीयर, इसमें करंट फ्लो हो रही है 20 एम्पीयर। यहां पर एक पॉइंट पी है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यहां पर एक पॉइंट है क्यू 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और यहां पर एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो फ्रॉम एडजॉइनिंग फिगर कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू एंड। हमको P और Q और R पर क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्लियर है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं पॉइंट P की, यहां से यहां की डिस्टेंस 20 है, 20 हो जाएगा 30 किसके लिए, 2 के लिए, और 1 के लिए हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो ये बी इक्वल टू हो जाएगा। अब यहां पर देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वायर फंस के कारण यहां ज्यादा होगा और यहां क्या होगा, कम होगा। तो इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो डोमिनेंट होता है वो माइनस हो जाता है। यहां पर ये क्या है, ये इफेक्टिव होगा, ये डोमिनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वायर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखवाया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन, यहां पर हम पहले लिख लेंगे B1 माइनस B2, क्या जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा R1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R2। और यहां से जब हम बात करें तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 10 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, कॉमन ले लेते हैं I1 की वैल्यू, आयरन की वैल्यू 30, आर हो जाएगा तुम्हारा क्या 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पर माइनस आई टू की वैल्यू है 20 होल अपॉन आर टू की वैल्यू, यहाँ से कितनी हो जाएगी 20 एंड 30, यानी 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, जो कि 2 पाई है, 4 पाई होता तो 10 टू द पावर माइनस 7 होता, लेकिन यहाँ 2 पाई है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें
यहाँ पर हो जाएगा 10 to the power -2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2/3, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × 10 to the power +2 -5 हो जाएगा, यहाँ 3 × 3 = 9 - 2 ये हो जाएगा 9 - 2 यानी 7/3, इसको ये हो जाएगा 14 × 10 to the power -5 / 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 14 / 3 = 12 ये आ जाएगा 2.36 = 18, 4.67 × 10 to the power -5 टेस्ला, ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम बात करें कहां पर नेचर क्या होगा यहाँ पर, तो नेचर चाहे जहां पूछे वो रिपल्सिव ही होगा, सॉरी अट्रैक्टिव ही होगा, क्या होगा अट्रैक्टिव नेचर होगा, सॉरी रिपल्सिव नेचर, अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा अट्रैक्टिव होगा, अगर सेम डायरेक्शन है अट्रैक्टिव, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा रिपल्सिव होगा। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें एट पॉइंट क्यू, मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा B1 + B2। अब यहाँ भी डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे, करंट की वैल्यूज आप अपने हिसाब से पुट कर लीजिएगा और मैग्नेटिक फील्ड एट R, तो यहां पर हो जाएगा B2 - B1, B हो जाएगा B2 - B1, यानी इसका पहले मैग्नेटिक फील्ड करोगे और माइनस करोगे किसका B1 से, क्योंकि यहां पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ये वायर डिस्टेंस पर डिस्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा इतने न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट, यू कैन पुट, ठीक है द प्रॉब्लम। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जो डेरिवेशंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जाम्स एज वेल एज योर प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।